हेवंस ग्रुप ऑफ सोलन की ओर से मां शूलिनी मेले की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। भेखली व्यासर सड़क पर बुधवार देर रात को एक दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों की मौत हो गई। कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय रुपेंद्र, 24 वर्षीय युधिष्ठर और 20 वर्षीय रूपलाल निवासी जिंदौड़ के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों को कुल्लू अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा किन कारणों से हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है। तीनों युवकों की इस सड़क हादसे में मौत होने से गांव में मातम छा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह पर यह हादसा पेश आया है उस स्थल पर सड़क की हालत भी ठीक नहीं है। ये तीनों में जो है कि हमारे बेकरी रोड के 2 किलोमीटर आगे में ये हादसा हुआ है। वहाँ पे ये हादसा रुक भी सकता था एक्चुअली, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना यहाँ पे सुझाव रखती, कुछ वो पत्थर पुथर रखती वहाँ पे, शायद वो रोड में कुछ हादसा रुक सकता था। एक्चुअली उस रोड में जब जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बहुत ही डेंजर एरिया है नीचे को, पर एक्चुअली वहाँ पे जो ऊपर रोड है वहाँ कोई भी धोखा खा सकता है। मैं भी एक बार अपनी गाड़ी लेके गया था, मैं वहाँ से गया तो मैंने देखा गया कि मेरी गाड़ी रुकी है, मैंने रोकी गाड़ी वहाँ पर, मैंने देखा कि तो बहुत डेंजर है, यहाँ कभी हादसा हो सकता है। पर उसके बाद 5-6 महीने हो गए वहाँ पर कोई स्लाइड हुए, वो पे जो डंगा स्लाइड हुआ है वहाँ पर 5-6 महीने हुए, पर PWD वाले जो भी रोड विभाग वाले हैं उन्होंने कुछ भी वहाँ पे सिग्नल नहीं रखा है, ना पत्थर का सिग्नल रखा है, ना कोई और कोई झंडे होते, कोई भी चीज़ है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। शायद ये हादसा रुक सकता था अगर PWD भारत विभाग वाले इसको थोड़ा जैसा और ध्यान रखते, शायद ये हादसा ना होता। आज ये आज सुबह स्थानीय लोगों द्वारा जो है एक सूचना प्रदान की गई थी, इसमें ब्यासर बेकली रोड पे एक गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी, जिस पे तुरंत मौके पे पुलिस जो गई, उसको वहाँ पे तीन जो है व्यक्तियों की मृत्यु उन्होंने उस जगह से मिला, और गाड़ी में तीन ही लोग सवार थे। उन सभी का पोस्टमार्टम करवा के उनके जो शव है उनके परिजनों को दिए गए हैं, और फर्दर पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है। गाड़ी किन कारणों के कारण जो है उसमें एक्सीडेंट हुआ या ऑफ रोड जो चली गई, इसमें मैकेनिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट्स आने के बाद जो है इसमें फर्दर जो है लीगल प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवंस ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल ग्रूम्स मेकअप के साथ साथ हेयर कट ट्रिमिंग शेविंग हेयर स्पा फेशियल वैक्सिंग ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप प्रेजेंट्स हिमाचल का सबसे पसंदीदा सिंगिंग कंपटीशन हिमाचल की आवाज। हिमाचली गायकों का हुनर परखेंगे डॉक्टर मदन झाल्टा, प्रोफेसर परमहंस आहूजा और सेलिब्रिटी जज होंगे हिमाचल के लोकप्रिय गायक हंसराज रघुवंशी। प्रदेश भर के चुने हुए सीनियर और जूनियर गायकों का जबरदस्त मुकाबला। हिमाचल की आवाज का ग्रैंड फिनाले होगा 28 जून शुक्रवार शाम 4 बजे से डिग्री कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में।